गाइस, सो गुड मॉर्निंग, आई एम प्रीति पंडागरे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपके सबसे जो बड़ा डाउट जो रोज का चल रहा है उसे आज क्लियर करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुँच जाए। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चंस अभी नाउडेज जो भी चल रहा है एंड कमेंट्स ऑल ओनली ये चल रहा है कि एग्जाम फॉर्म कब आ रहे हैं। फिर वो जो अपडेट था वो तो कब से समथिंग मई में आ चुका था, मई के बाद जून हो चुका है और जुलाई अभी बचा हुआ है। सो उसमें जो अपडेट आया था इंदौर भोपाल द्वारा जो जारी किया गया था उसमें साफ साफ लिखा था कि MP में PNST फॉर्म का कब आने वाले हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि जून या फिर जुलाई। ओके, सो दो मंथ दे रखे थे उन्होंने, तो उसमें से तो जून तो जा चुका है और हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते जा रही है कि अभी तक तो फॉर्म नहीं आए हैं। तो मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना रही हूँ कि फॉर्म कब आने वाले हैं, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, और आप जो वो अदर कॉलेजेस के एडमिशन की बातें हैं वो करनी चाहिए या नहीं, यानी एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ऑल सो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जो हमारा MP में एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले थे उसमें अभी डिले हो चुका है। उसका मैंने एक रीज़न भी बताया था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मुझे पता चला था सारा कि इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद मैंने बताया था, अभी पिछले वीडियो में ही कहा था कि अभी तक क्यों नहीं आया, उसका एक बिग इशू अभी और है। सो वो बिग इशू ये है कि वो जो हमारा OBC और SC ST वालों का जो भी मामला हुआ था अभी पिछले BSC एग्ज़ाम के इस पे काउंसलिंग को लेके, तो वो OBC एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि भी वो तो OBC वालों के फेवर में आ चुका है तो फिर भी अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आए हैं। तो हाँ, वो OBC वालों के फेवर में आ चुका है कि ठीक है। और प्रॉब्लम ये हुई थी कि उन्होंने मेरिट फर्स्ट काउंसलिंग में जो होता है वो कास्ट वाइज लेते हैं, कास्ट वाइज जो उनके मार्क्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब वो काउंसलिंग करते हैं। एंड जो सेकंड उन्हीं का रूल है, गवर्नमेंट का ही रूल है, जो सेकंड होता है उसमें मेरिट में लिया जाता है, जिसके भी ज़्यादा मार्क्स होंगे चाहे उसमें कास्ट नहीं देखी जाती है। तो बस वही प्रॉब्लम हुई थी कि सेकंड काउंसलिंग में सारे OBC वाले आ गए थे क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा थे। ओके, तो मेरिट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग हुई थी और जब देखा गया कि SC ST नहीं आए तो इसके अकॉर्डिंग फिर केस वगैरह हुआ जो भी था, तो OBC वालों के फेवर में आ चुका है कि गवर्नमेंट ने ही कहा था कि मेरिट के बेस पे होंगे और हम मेरिट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है इस एग्ज़ाम के लिए। सो ये सब हो चुका है, जो स्टूडेंट आ चुके हैं उनके एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, कंटिन्यू ड्यूटी पे भी आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर अभी भी गवर्नमेंट ने फॉर्म क्यों नहीं दिया है। तो बात ये है कि जो OBC वाले जो स्टूडेंट आए हैं अभी तक उन्हें भी नोटिस नहीं आया है कि आप अभी भी क्लियर हो, मतलब कि अब आप कर सकते हो कंटिन्यू BSc Nursing, उन्हें नोटिस अभी तक नहीं आया है। वो लोग भी परेशान है कि हमें नोटिस नहीं आया, कहीं फिर से कुछ हो जाए और हमें निकालना दे। सो बात ये आ रही है कि जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, वहाँ से अभी जो फाइनल होना है वो बाकी है समथिंग। सो वो जैसे ही फाइनल होता है, आई थिंक हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि हमें बताया गया है कि हमारा नोटिस आने वाला है, कि हम लोग रेगुलर है और उनके जो स्टाइफन वगैरह रुकी हुई है, उन्हें अभी कुछ भी मतलब जो भी मिलता है कॉलेज ज्वाइन करने के बाद फीस वगैरह, वो अभी कुछ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग और जो जिन लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग वाले जो स्टूडेंट थे उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह सब मिलना स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड काउंसलिंग वालों को अभी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग कि नोटिस आने वाला है, उसके बाद से उनका भी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, वो रेगुलर कहलाएंगे। सो ये सब कुछ फाइनल समथिंग हो चुका है, तो बहुत जल्दी ही उनका नोटिस भी आ जाएगा और उसके जस्ट बाद ही फॉर्म भी निकल जाएंगे। और बहुत सारे यूट्यूब पे थंबनेल लगा के वो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ आ चुके हैं फॉर्म और ऐसा वैसा। सो गाइस, अभी जो भी है फॉर्म नहीं आए हैं, पर जुलाई का भी लास्ट वीक बाकी है और अगस्त फर्स्ट वीक भी हो सकता है, बिकॉज अभी जो भी सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग ये सब डिले हो रहा है। सो आपको सिर्फ 2 मंथ का वेट करना है, 2 मंथ में सब कुछ हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएंगे, फॉर्म भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो आपको ओनली प्रिपेयर रहना है। और जो अभी फॉर्म आ चुके हैं वो UP के आए हैं। सो जब UP के आ चुके हैं तो MP ज़्यादा डिले नहीं करेगा, वो भी बहुत जल्द दे देगा क्योंकि यहाँ पे भी सारे सीट्स अभी खाली है। सो जो अभी UP का आया है उसमें 15 जुलाई लास्ट डेट है कि उनके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद उनका जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक तक एग्जाम डेट भी आ जाएंगी।
सो जिन लोग यूपी से है मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप वेबसाइट पे विजिट करके अगर आपको नहीं पता हो तो फॉर्म वगैरह सबमिट कर दे ताकि आप डिले ना हो। और जो एमपी वाले स्टूडेंट से है प्लीज़ वो थोड़ा सा वेट और कर ले और अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखे क्योंकि एग्ज़ाम होने ही हैं और ये अब बस क्लियर हो चुका है। जब यूपी के आ चुके हैं तो एमपी आनी ही है डेट। सो गाइज यूपी के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं जो कि 19 जून से स्टार्ट हुए थे जिनकी मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट 19 जून थी और लास्ट डेट उन्हें 15 जुलाई दी हुई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं यूपी वाले स्टूडेंट जो भी हैं अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो वेबसाइट पर विजिट करके या तो घर से ही फॉर्म भर सकते हैं या एमपी ऑनलाइन जाके फॉर्म भर सकते हैं। और इनका ये है कि दो यूनिवर्सिटी जब वो एग्ज़ाम होते हैं वो दो यूनिवर्सिटी से फिर काउंसलिंग होती है, एक तो होती है अटल बिहारी वाजपेयी से और एक होती है KGNU से। ओके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों तो ये सारी काउंसलिंग करवाती है, फॉर्म सब कुछ ये सबमिट करवाती है और यहाँ पे काउंसलिंग के बाद यहाँ पे एडमिशन लिए जाते हैं। सो आप यूपी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जाके अपने फॉर्म सबमिट कर दें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें ताकि आप अभी जस्ट अपडेट आ ही जाएंगे एग्ज़ाम डेट के तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जो एमपी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत जल्द डेट अपडेट होने वाली है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन क्लिक नहीं किया है सो वो कर ले ताकि जैसे ही न्यू अपडेट आएगा मैं पोस्ट कर दूँगी तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। सो इस तरीके से आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी है और अगर आपके जो भी डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड जो भी है प्लीज़ आप फटाफट कमेंट कर दीजिए क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आपके कमेंट जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग ही सारे कमेंट के मैं रिप्लाई देते हुए वो वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आपके जो भी कमेंट्स है वीडियो में मतलब कमेंट कीजिए जिससे कि आपको आपके सारे कमेंट जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर मैं कर दूंगी। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि डेट बहुत जल्द आ ही जाएगी। सो आपको अभी सिर्फ कंटिन्यू स्टडी करना है, ये नहीं सोचना है कि हमारा 2021 का साल खराब हो गया उसके बाद। आपको तो सबको पता है कि 2021 किस तरीके से गया है सो उसका आप इशू मत बनाइए, बस अभी 2022 का वेट कीजिए कि एग्जाम फॉर्म आने ही वाले हैं। ठीक है सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, स्टडी कंटिन्यू रखें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।